हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनटोस के ऊपर। तो गाइस, ये फिनटोस क्या है, क्या नया लेकर आया मार्केट में, और या क्यों लोग यहाँ पे इन्वेस्ट इतना कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और फिनटोस पैसा कैसे दे रहा है, और फिनटोस में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है, आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, कैसे सिक्योर है और यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो गाइस, ज्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एकदम पूरा डिटेल से आपको बतलाते हैं। ये वीडियो आपने जो देखा, ये फिनटोस का बड़े बड़े लेवल पे प्रमोशन का वीडियो है, जो कि अलग अलग कंट्रियों में इसका प्रमोशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अभी भी, और अभी इंडिया में आए हुए 55 से 60 दिन हो रहा है, और यहाँ पे आए हुए जब इसका जनवरी पे इसका आया हुआ था, जनवरी में जब आया था इसका, जनवरी में विजिटर कितना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,000 विजिटर था। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो फरवरी में इसका विजिटर हो चुका है 85,000 से भी ज्यादा हो चुका, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है गाइस। इसका बढ़ने का एकदम कारण क्या है, इसका दमदार इकोसिस्टम गाइस, ये बहुत ही दमदार इकोसिस्टम लेके आ चुका है मार्केट में। इसके कारण ये फिनटोस में अभी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से यहाँ पे बहुत तेजी से ये बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग YouTube चैनल, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के YouTube चैनल से, वो सभी प्रमोशन कर रहे हैं फिनटोस को, जो कि बहुत ही बड़े बात है। अब बात करते हैं गाइस, इसको फंडिंग कब किया गया था। तो गाइस, इसको फंड कब किया गया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2019 में इसको फंड किया गया, जो कि जो बॉबी जोएल लैम्बर्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि बॉबी जोएल लैम्बर्ट को आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ, जो कि बॉबी जोएल लैम्बर्ट के द्वारा बनाया गया था, और जिसमें यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया था गाइस, जिसमें इसको ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है 2021 में, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन का अवार्ड मिल चुका है। इसने एक ऐसा टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल कराया जिसमें, जो कि मार्केट में था ही नहीं, जो कि लेंडर और बोरवेल दोनों को ये एक साथ मिलाता है, मतलब यहाँ पे बोले तो उधार देने वाला और उधार लेने वाला को यहाँ पे एक साथ मिलाता है, बीच में बनता है, मीडिएटर बनता है फिनटोस। और जहां पे आपको उधार देते हैं, सामने वाला उधार लेता है, आपको 1% मिलता है, और लोन लेने वाला उससे 2% लेता है फिनटोस, उसमें से आपको 1% देता है और 1% खुद रखता है फिनटोस। आप बोलेंगे ये कैसा सिस्टम है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सप्ताह के लिए आप यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको इस सिस्टम के बारे में कोई बता रहा है, यहाँ आप $100 से स्टार्टिंग कर सकते हैं और $4 से $5 का लगभग वहां पे गैस फीस लगा, ऐसा नहीं कि $5 एक ही बार कट जाएगा, धीरे धीरे करता रहता है, जो कि फ्यूचर के लिए आपको वहां पे फिनटोस पे रखा हुआ रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे टोटल होता है $105, अगर $105 का INR में देखें तो वही लगभग आप 9,500 से यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप $100 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 200, 300, 1000, 500, आपको लाखों डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इजी है इन्वेस्ट करना, और एक ही अकाउंट में आप यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हो। डालने के बाद अगर आपको पसंद ना आए, तो यहाँ से आप अपना सारा अमाउंट निकाल सकते हो पूरे कैपिटल और प्रॉफिट के साथ, जितना भी आप कैपिटल अमाउंट रहेगा उसको भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो पूरा इजीली। सर वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कैपिटल अमाउंट रहे तो वहाँ पे निकालने टाइम फी कटेगा, ये कटेगा, आपको यहाँ पे 1 रुपए भी फी वगैरह नहीं कटेगा, जो कि यही सिस्टम हमको फिनटोस का सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि गैस अपना कैपिटल अमाउंट को भी कभी भी निकाल सकते हैं। और गैस, अगर आप इसमें मेरा साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा गैस कि बहुत सारे कंपनी मार्केट में आते हैं और बोलते हैं मैं
अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आएंगे, खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेके आएंगे, बहुत सारे कुछ मतलब कॉइन वगैरह लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक वो लाते हैं तब तक वहां पे स्कैम हो जाता है टोटली, लेके उड़ जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर फिनटोज का देखे तो फिनटोज के यहाँ पे खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन है, खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, खुद का एक्सचेंज जो कि मार्केट में ये अवेलेबल ये लेके आ चुका है। यहाँ सारे कुछ को मैं यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे जो मैं ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क ट्रोलिंग प्रो और भी बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उस पर मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिनटोज पे कर पाया। मैं यहाँ पे बता दूं, मैं एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में स्वैप कर पाया जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो कि दूसरे वॉलेट में ये हो नहीं सकता, ये अवेलेबल ही वहां पे सिस्टम ही नहीं दिया कि आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन को यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। आप तो बाइनेंस को जानते होंगे, जब बाइनेंस को अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो कि बाइनेंस पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट को यहाँ पे सर्च कर, जिसके आप देख सकते हैं टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उसमें से अपना फिनटोज को यहाँ पे कितने नंबर पे मिला है, जो कि बाइनेंस जो कि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज वो रिसर्च किया और यहाँ पे टॉप प्रोजेक्ट में से एक फिनटोज भी, जो कि फिनटोज का नंबर आ जाता है यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है फिनटोज, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। और इसके बारे में आपको पूरा इसका कौन सा टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड सिक्योर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे चर्चा किया है और इसके बारे में सारा कुछ बतलाया गया है इस आर्टिकल में। गाइस अब बात कर लेते हैं सटीक गैस एक ऐसा वेबसाइट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम के बारे में जानकारी देती है या ये बताती है कि ये सेफ एंड सिक्योर एंड ट्रस्टेबल कितना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पॉलीगोन को सर्च किया, पॉलीगोन को जब सर्च किया, पॉलीगोन जो मैटिक कॉइन है आपको पता है, तो उस पे इसको 100 में से 95 का ट्रस्ट स्कोर यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे रिसर्च किया, यहाँ पे सर्च किया बाइनेंस को, तो बाइनेंस को गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बाइनेंस का ट्रस्ट स्कोर कितना मिला है, 100 में से 80 इसका ट्रस्ट स्क्वायर मिला। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है जिसको यहाँ पे 100 में से 80 मिला है गाइस। उसके बाद जब इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च किया फिनटोज को गाइस, तो यहाँ पे आप फिनटोज को देख सकते हैं। फिनटोज को जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा है 100 में से इसका 89 का स्कोर आता है, जो कि बाइनेंस से भी ज्यादा। पहले यहाँ पे बाइनेंस का था 90 और यहाँ पे 87 था, फिनटोज का तो 87 से 89 हो चुका है, जब वहां पे 90 से अभी 80 हो चुका है यहाँ पे बाइनेंस का ट्रस्ट स्कोर, जो की कुछ ही ट्रस्ट के उसमें हुआ होगा इसी कारण वो थोड़ा सा कम हो चुका है गाइस। और वैसे यहाँ पे अगर आपको देखना है कि बाइनेंस का ट्रस्ट कैसे देखा जाता है, तो गाइस अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड बाय बाइनेंस, तो यहाँ पे आपको देख सके मैं सर्च किया बाइनेंस टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा होगा बाइनेंस टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि ट्रस्टेबल है, तो यहाँ पे इसको आप क्लिक करके यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखलाई देगा इस तरह से यहाँ पे आपको। इसके गाइस अभी तक का देखे तो कम्युनिटी यहाँ पे 2 मिलियन का कम्युनिटी हो चुका है और इसका 2025 तक का टारगेट कितना, 2025 तक का टारगेट इसका गाइस 100 मिलियन कम्युनिटी करने का, जो कि ये बहुत ही आसानी से कर लेगा, काहे कि इसका बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे इसका प्रमोशन वगैरह चल रहा है गाइस। और इसका और गाइस इसके बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं, इसका बिजनेस प्लान में आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप किसी को रेफर करोगे, किसी को अगर आप बतलाओगे इस इकोसिस्टम के बारे में तो वहां पे आपको कैसे मिलेगा, अगर आप अपना डायरेक्ट में किसी को डालोगे तो उससे आपको 15% मिलेगा, मतलब लेवल 1 पे आपको 15%, लेवल 2 पे आपको 10% मिलता है। जैसे कि मैं किसी बंदे को अगर आपने डायरेक्ट पे डालो, उस बंदे ने फिर जो मेरे डायरेक्ट वाले बंदे वो बंदा किसी को डालता है तो उससे हमको 10% मिलेगा, जो कि आपको भी इसी तरह से मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसी तरह से आपका बिजनेस वगैरह बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे आपको रैंकिंग है गाइस, जो कि रैंकिंग यहाँ पे आप GM VP और SVP फिर ED और MD रैंक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है। इसको अगर आप अचीव करते हैं क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ, और इसको अचीव कैसे किया जाएगा, तो गाइस अगर GM रैंक को अगर आपको बनना है तो आपको आप 5 डायरेक्ट होना चाहिए आपका रेफरल में और आपका टीम में टोटल $50,000 का बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका इतना हो जाता तो आपको एवरीडे 100 USDT मिलेगा गाइस, एवरीडे 100 USDT, जो कि डेली का 9,000 होता है, जो कि बहुत ही बड़ा इनकम होता है गाइस। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं VP का गाइस, अगर आपका डाउन में 2 GM हो गया और आपका डाउन में $1,50,000 का बिजनेस हो चुका तो आप बन जाएंगे VP, उसमें आपको $150 से $300 का USDT आपको मिलेगा एवरीडे, यहाँ पे एवरीडे का मैं बात करूँ। उसके बाद SVP का बात करें तो यहाँ पे अगर आपका डाउन में 2 VP $500,000 का आपको बिजनेस हो जाता है,
आप एवरीडे यहाँ पे 600 से 1500 डॉलर आपको अपना वॉलेट में आपको एवरीडे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बात करते हैं ईडी बनने के लिए। ईडी बनने के लिए आपको डाउन में 2 SBP होना चाहिए और आपको 2 मिलियन यूएसडी का बिजनेस होना चाहिए, तो आपको 1500 से 5000 यूएसडी एवरी डे मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एमडी, तो अगर आप एमडी बन जाते हैं, एमडी बनने के बाद आपको यहाँ पे 13,000 से 30,000 यूएसडी आपको एवरी डे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एमडी बनने के लिए आपको 2 ED होना चाहिए और यहाँ पे 6 मिलियन यूएसडी का बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे ईडी बन जाओगे इजीली। तो गाइस इस तरह से इसको आप अफिलियट भी कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं जो फिंटोस का, जो यहाँ पे आपको 12 की मिलता है, जो कि फिंटोस डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यहाँ पे अगर 12 की आपको जो मिलता है, उस 12 की को आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आप डालोगे, तो उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आपको वहां पे उस आपका अकाउंट खुल जाएगा, और अकाउंट खुलने के बाद वहां से आप उस डिसेंट्रलाइज वॉलेट से भी विड्रॉल कर पाओगे। जैसे आपका फिंटोस में आपका अमाउंट है, उस अमाउंट को आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ट्रॉन लिंक प्रो और भी जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है सभी से आप उसको विड्रॉल कर पाओगे, जो कि अभी अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो अभी बहुत ही नामी जामी जो है सबसे बेस्ट में, तो यहाँ पे आपको 2-4 ही डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो कि अवेलेबल है मार्केट में। और गाइस यहाँ पे और एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट में आपका अकाउंट बना हुआ, उस ट्रस्ट वॉलेट का 12 की अगर आप फिंटोस पे डालोगे, तो फिंटोस में भी आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका सबसे डिसेंट्रलाइज का पहचानने का तरीका यही गाइस कि आप 12 की को डालो कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, वो आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाता है। गाइस ये सारे कुछ को मैंने अपने खुद से ट्राई किया, देखने के बाद में यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि बहुत इजीली सारे कुछ हो जाता है। गाइस अगर आपको गाइस ये सारा कुछ पसंद आया, और यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा अगर आप, और गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप 7 डेज के लिए यहाँ पे ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको यहाँ पे सिस्टम में समझ में नहीं आए, तो एक साथ एक बार में आप एक सप्ताह में आप यहाँ पे जितना भी आपका कैपिटल अमाउंट है, जितना भी प्रॉफिट अमाउंट है, वो सारे को यहाँ से आप लेके चले जाना, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। और गाइस यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इस तरह का इसका पूरा इकोसिस्टम है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, तो आप मेरे रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे ग्रुप लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।